आदरणीय मोदी जी ने इतने बड़े लेवल पर इस पर काम किया है। बहुत से रहे, बबुआ, बुआ, भैया, भतीजावाद, ये सब रहे, किसी ने नहीं किया, सब ने परिवारवाद चलाया, भतीजावाद, भतीजावाद, बुआ और बबुआ। एक पप्पू जी हैं जिनको कुछ बोलना नहीं आता और वो कुछ भी बोल देते हैं। तो मेरा मानना ये है, हमारे पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर चल रही है इस टाइम, उस लहर का एक अलग है, क्योंकि पूरे देश को मोदी जी उपयोगी हैं और प्रदेश में योगी जी उपयोगी हैं। तो मेरा मानना है, गुंडा राज जो है इतना ख़त्म कर दिया, इतना खौफ पैदा कर दिया था लोगों के अंदर के गुंडों ने अपने आप छोड़ के सरेंडर करा है, और जाने के बाद उसमें ये कहा कि हमें अंदर बंद कर लीजिए, योगी जी का इतना खौफ पैदा है। नहीं, बेरोजगारी कहाँ है, हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। कोरोना काल के टाइम में इतने बड़े लेवल पर काम किया है मोदी जी ने, विदेशों में जाके देखिए, महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई में देखिए, आज महंगाई का ही मुद्दा नहीं है, महंगाई तो आती रहेगी और जाती रहेगी। पेट्रोल 100 पार कर दिया है। मेरी बात सुनिए, सरसों का तेल 200 पार कर दिया। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैं मेरी भाई सुनिए, आप गैस सिलेंडर 1000 कर दिया, वो कर दिया है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये योजनाएं आ रही हैं हमारी गरीब रेखा में जितने भी लोग हैं, किसी भी सरकार ने रिफाइंड चावल घी तेल बांटा हो तो बताइए कितने दिन के लिए, पूरे कोरोना काल से लेके अब तक, पिछले एक महीने से बांटना चालू हुआ है। पिछले कोरोना काल में कुछ अपने हमारे विधायकों ने और चेयरमैनों अपने पासों से भी बांटे हैं राशन वगैरह, हमारे मेंबरों ने, नगर अध्यक्षों ने, और विधायक जो हमारे विजयपाल आड़ती हैं उन्होंने अपने पास से भी बांटा है, चेयरमैन ने बांटा है, विधायक ने बांटा है, एमपी ने, सब ने बांटा, हर जिले में बांटा है अपने कोटे से अलग से। मेरा मानना यह है कि जो लोग इस पर भली भांति भटका रहे हैं, ये भाजपा सरकार है और नीचे से उठा के कार्यकर्ता को लाती है और ऊपर तक ले जाती है, ये किसी भी एंगल से, पैसे से, या किसी भी गलत कार्यकर्ता को नहीं लाती, क्योंकि पार्टी के अंदर हमारे एक से एक विद्वान आदमी और अच्छे आदमी पड़े हैं, वो पार्टी के अंदर पार्टी कार्यकर्ता को सींच के लाते हैं और उसको लाने के बाद उसे एक अच्छे मुकाम पर ले आते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने वो कार्य किया है दलित समाज, अति पिछड़ों के लिए, हापुड़ की विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो हमारे साथ कुछ भाजपा पार्टी से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ सोच रखते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। ये क्या नाम? मैं दीपक चंद्रा, नगर पैन कमेटी में कार्यकारिणी सदस्य हूँ और एक सामाजिक संगठन है उसका प्रदेश महामंत्री हूँ, वो भाजपा के नेतृत्व में चल रहा है। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, देश में तो मोदी जी और प्रदेश में हमारे योगी जी, आदरणीय हापुड़ में हमारे जो पार्टी जिसको भी पद देगी, जिसको भी टिकट देगी, उसको हम पूरे तन मन धन से लड़ाएंगे। मेरा मानना यह है कि हमारे 75 साल देश को आज़ाद हुए हुए हैं, अति दलित पिछड़ों के लिए जितना बीजेपी ने कार्य किया है, अभी तक भी किसी भी पार्टी ने इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े नेतृत्व पर कभी कार्य नहीं किया, और जितनी योजनाएं अति दलित पिछड़ों को दी जा रही हैं इस टाइम, मेरा मानना है बाल्मीकि समाज, खटीक समाज, जाटव समाज और अन्य और भी समाज, वासी, डोम, आदरणीय मोदी जी ने इतने बड़े लेवल पर इस पर काम किया है। बहुत से रहे, बबुआ, बुआ, भैया, भतीजावाद, ये सब रहे, किसी ने नहीं किया, सब ने परिवारवाद चलाया, भतीजावाद, भतीजावाद, बुआ और बबुआ। एक पप्पू जी हैं जिनको कुछ बोलना नहीं आता और वो कुछ भी बोल देते हैं। तो मेरा मानना ये है, हमारे पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर चल रही है इस टाइम, उस लहर का एक अलग है, क्योंकि पूरे देश को मोदी जी उपयोगी हैं और प्रदेश में योगी जी उपयोगी हैं। तो मेरा मानना है, गुंडा राज जो है इतना ख़त्म कर दिया, इतना खौफ पैदा कर दिया था लोगों के अंदर के गुंडों ने अपने आप छोड़ के सरेंडर करा है, और जाने के बाद उसमें ये कहा कि हमें अंदर बंद कर लीजिए, योगी जी का इतना खौफ पैदा हो गया है। क्या नाम है सर आपका? वो बोलेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश सिंघाल है, मैं भाजपा से नगर का महामंत्री हूँ। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। योगी सरकार ने इतना काम करा है, आप पब्लिक में जाकर पूछिए, हर गली हर मोहल्ले में विकास का काम हुआ है, और पब्लिक के लिए कोरोना काल जैसे में उनको घर बैठे राशन मुहैया कराया। सबसे बड़ी बात, अगर और कोई सरकार होती तो आधे जाते पब्लिक मारी जाती। वो कह रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? अजय भास्कर, नामित सभासद। क्या होने वाला अगले विधानसभा चुनाव? भाजपा में होने वाला है यूपी, और जो जनविश्वास यात्रा निकली हुई है उसके बारे में, जो कल जो हापुड़ में जनविश्वास यात्रा आई, तो क्या कुछ समर्थन लग रहा है? जनता का विश्वास आपने देखा होगा कितना भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जनविश्वास यात्रा में, ये जनता का विश्वास ही दर्शाता है कि इतना जन सैलाब उमड़ पड़ता है
भारतीय जनता पार्टी की यात्रा के लिए, और लोग जो है यात्रा निकालने से घबरा रहे हैं अभी। नहीं, वो कह रहे हैं सरकारी खर्च से भीड़ इकट्ठा की जा रही है। सरकारी खर्च कोई नहीं है, सब कार्यकर्ता अपने दम पर इकट्ठा होकर गया है। और रात को है इतनी सर्दी में, रात को 11 बजे तक जो है सड़कों पर जनसैलाब जो उमड़ा है, वो जो है किसी के पैसे के बल पर नहीं है, सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। कार्यकर्ता आज जो है हिम्मत जुटा के कह सकता है कि योगी ही उपयोगी है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ है सर। लड़ाई किससे होने वाली है उत्तर प्रदेश में? लड़ाई किसी से भी ना, हमारे विजय पाल जी जीतेंगे, सदर विधायक कार्य कर रहे हैं हापुड़ में उन्होंने। सड़क यादव कह रहे हैं आ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, योगी जी आ रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो गलत फहमी के। अखिलेश यादव जयंत चौधरी कह रहे हैं उनको मठ में बचाने का काम। नहीं 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 नहीं, वो गलत फहमी के शिकार हैं, वो गलत फहमी के शिकार हैं सर। कार्य योगी जी ने बहुत करे हैं यूपी में, और दोबारा आ रहे हैं, और हमारे विधायक जी भी आ रहे हैं, सदर विधायक विजय पाल आरती जी। जी क्या सागर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? कहना क्या चाहेंगे, हमारे माननीय विधायक सदर जो हैं विजय पाल आरती जी, बिकॉज उन्होंने विकास कार्य इतने किए हैं कि हापुड़ की जनता इनको पुकारे दोबारा विधायक बनाए, दोबारा विधायक बनाए। मैं एक चीज़ और बतानी चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर इतने बड़े लेवल पर स्केल पर काम हुआ है, नड्डा जी ने, नितिन गडकरी जी ने एयरपोर्ट से भी बड़े हाईवे बनाए हैं, और देश में देश की जनता के लिए। वो तो कह रहे हैं कि पहले बनाने से पहले बेच देते हैं उनको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो देखो बउआ बुबुआ और तुम्हारी, ये हमारे पप्पू जी जो हैं राहुल जी, हमारा कौन है ये पप्पू जी राहुल जी जो हैं, ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कुछ योजनाएं नहीं लाए जितना देश के लिए मोदी जी ने कार्य किया है, योगी जी ने हमारे प्रदेश के लिए कार्य किया है। एयरपोर्ट बेच दिए हैं, देखो कुछ नहीं बेका। अभी निजीकरण का मुद्दा आया था, उसमें निजीकरण में कुछ लोगों ने गलत अफवाह उड़ा दी थी, निर्मला सीतारमण जी ने उस मुद्दे को निखारिज करके पूरा कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को प्राइवेट सेक्टर में नहीं ला रहे। कुछ चीज एयरपोर्ट बेच दिया ना? नहीं, एयरपोर्ट नहीं बेचा है, केवल वो प्राइवेट सेक्टर में फ्लाइटें गई हैं, उनके शेयर गए हैं। कुछ चीज़ें हैं मैं मानता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें बड़े स्केल पर कुछ चीज़ें कमियाँ आ रही थी, लेकिन है नहीं बेरोजगारी कहाँ है, हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। कोरोना काल के टाइम में इतने बड़े लेवल पर काम किया है मोदी जी ने, विदेशों में जाके देखिए। महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई में देखिए, आज महंगाई का ही मुद्दा नहीं है, महंगाई तो आती रहेगी और जाती रहेगी। पेट्रोल 100 पार कर दिया है। मेरी बात सुनिए, योग का तेल 200 पार कर, मेरी बात सुनिए एक मिनट, मैं मेरी भाई सुनिए आप, गैस सिलेंडर 1000 कर दिया, वो कर दिया है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये योजनाएं आ रही हैं हमारी गरीब रेखा में जितने भी लोग हैं, किसी भी सरकार ने रिफाइंड चावल घी तेल बांटा हो तो बताइए, कितने दिन के लिए? पूरे कोरोना काल से लेके अब तक महीने, पिछले एक महीने से बांटना चालू हुआ है। पिछले कोरोना काल में कुछ अपने हमारे विधायकों ने और चेयरमैन ने अपने पासों से भी बांटे राशन वगैरह, हमारे मेंबरों ने, नगर अध्यक्षों ने, और विधायक जो हमारे विजयपाल आरती हैं उन्होंने अपने पास से ही बांटा है, चेयरमैन ने बांटा है, विधायक ने बांटा है, एमपी ने, सब ने बांटा, हर जिले में बांटा है अपने कोटे से अलग से। मेरा मानना यह है कि जो लोग इस पे भली भांति भटका रहे हैं, ये भाजपा सरकार है और नीचे से उठा के कार्यकर्ता को लाती है और ऊपर तक ले जाती है, ये किसी भी एंगल से, पैसे से, या किसी भी गलत कार्यकर्ता को नहीं लाती, क्योंकि पार्टी के अंदर हमारे एक से एक विद्वान आदमी और अच्छे आदमी पड़े हैं, वो पार्टी के अंदर पार्टी कार्यकर्ता को सींच के लाते हैं और उसको लाने के बाद उसे एक अच्छे मुकाम पर ले आते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने वो कार्य किया है दलित समाज अति पिछड़ों के लिए, जो किसी ने भी कार्य नहीं किया आज तक 75 सालों में किसी ने भी एक सफाई कर्मचारी के पाँव नहीं धोए, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाया, उनके साथ फूल बरसानी की, सब आए हैं अपनी सत्ता में राज किया है। हाथरस की घटना को भी याद दिलाते हैं, नहीं नहीं नहीं, समाज की जो लड़की के साथ, मेरी बात, उस पर पूरी कार्रवाई की गई है और पूरी कार्रवाई के साथ साथ उनको पूरे परिवार को सुरक्षा दी गई है। ऐसा नहीं है, हम मानते हैं कुछ के अंधेरे में भी तो उसको जला दिया, कुछ चीजें गलत हुई हैं, हम मानते हैं इस बात में, लेकिन एक बात मैं आपसे बतानी चाहता हूँ, कुछ चीजें अलग हैं जो पार्टी ने हमारे पूरे देश के अंदर नहीं प्रदेश के अंदर हिंदुत्व को लेकर, और किसी के लिए भी ना ही मोमडन जाति के लिए, कोई जातिवाद नहीं है, कोई भाईचारा इसमें ऐसा खराब नहीं करने दिया है, पूरे देश के अंदर एक भाईचारा पूरा बना कर रखा है मोमडनों को लेकर भी, हिंदुओं को लेकर भी। और सबसे पहली एक बात आपको बतानी चाहता हूँ मैं, जितने आज हमारे हिंदू लोग भटक रहे हैं रास्ते से, जो भटक रहे हैं ना, उन लोगों को भी लाइन पे लाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। भटक कर रहे हैं, कुछ लोग भटक गए थे, कहाँ भटक गए हैं? जो लोग भटक गए वो आज भी पार्टी से दोबारा जुड़े आके, ये भगवा जो पूरे देश में हो रहा है ना, भगवा ही भगवा, ये दोबारा लौट के आए हैं, क्योंकि और पार्टियों में तो हिंदू हैं। नहीं, मैं मानता हूँ हिंदू हैं, लेकिन आज एक दिल्ली की दुर्घटना देखिए, उसको रात को 5 लड़के आते हैं मोमडन और उसको मार देते हैं दोनों लड़कों को, ठीक है ना, कैमरे में पूरा सीसीटीवी आ रहा है, और उसमें कहते हैं कि ये भाईचारा नहीं, ये हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं। कौन हिंदू मुस्लिम फैला रहा है?
कौन फैला रहा है हिंदू मुस्लिम, वहाँ पे सरकार किसकी है, केजरीवाल जी की। चलिए, आपके हिंदू मुस्लिम तो आपकी पार्टी के चलते रहते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। हापुड़ विधानसभा से लेते हैं आपसे विदा।